नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष सेशन में मैं आपको टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूं और देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की संक्षिप्त खबरें मैं आपको जानकारियाँ दे दूँ कि बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, से 9 घंटे पूछताछ हुई और झारखंड में 9 मार्च से जैक और इंटर की परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। और बात करूं तो देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है जल्द ही देश में शुरू होने वाली है, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। और बता दें कि किसान संगठनों से जो 7वां राउंड की बातचीत हो रही थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रहा। और सौरव गांगुली की नहीं होगी जो है एंजियोप्लास्टी सर्जरी। तो ये हैं कुछ जानकारियाँ, और मैं कुछ जानकारियाँ आपको दे दूँ। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ने भारतवंशी को सर्वोच्च कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश भी की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर इस बार भी संशय बना हुआ है। जैक मा को, जो कि अलीबाबा के संस्थापक हैं, ई कॉमर्स कंपनी जो है दिग्गज है, ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को चीन सरकार के खिलाफ आलोचना करना भारी पड़ गया है। वो 2 महीने से लापता हैं, ऐसी न्यूज में आ रही है। वरपति व्यवसायी हैं, शंघाई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्तीय नियामक और सरकारी बैंकों पर निकाली थी उन्होंने भड़ास। इसके बाद उनके स्वामित्व वाले एंट ग्रुप के $37 अरब के IPO पर भी चीन ने रोक लगा दिया था। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी को कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। नेक्स्ट देखते हैं आज के क्लास में क्या है खास। तो फटाफट आप सभी से को बता दूं कि आज का क्लास में आज का इतिहास जुड़े हुए 5 से 6 सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आने वाले संभावित एग्जामों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें एक स्पेशल टॉपिक पर एज ए करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाता है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का वो हमारे चैनल का बोल सकते हो बनवाल ट्यूटोरियल्स का वो गुरूर है। और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि मैं एक एसिड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अलग अलग चीज़ों में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। जैसे कि आप बात कर लो मैंगो में, टमरिंड इमली में, लेमन में, कर्ड में, बैटरी का कार का बैटरी में, वेनस में, इस तरह का। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ी हुई सवाल और जवाब। आज ही के दिन वर्ष 1952 में भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड लिनथियगो का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1941 में क्रिकेटर मशहूर खान पटौदी का भोपाल में जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1890 में प्रसिद्ध अधिवक्ता ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1959 में खाजवा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह शुजा को हराया था। आज ही के दिन वर्ष 1592 में मुगल शासक शाहजहां का लाहौर में जन्म हुआ था। तो ये थे आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आई होप काफ़ी इसमें जो है ये मददगार होने साबित होने वाला है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फटाफट तैयार हो जाए। उससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है लगातार चल रही है। सेकेंड फेज का जो है एडमिट का डाउनलोड 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आप सभी जो है अपना तैयारी को लोहा मनवाए तैयारी में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। रूसी हैकरों ने साइबर हमले के दौरान अमेरिका की 250 सरकारी एजेंसियों और शीर्ष कंपनियों को निशाना बनाया है। तो एक थिंक टैंक रिपोर्ट में ये बतलाया गया है, एक रिपोर्ट आई है उसी में बतलाई गई है। रूसी हैकरों ने मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सोलर विंड ओरियन का इस्तेमाल किया। क्लाउड सर्विस प्रदान करने वाली अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों की जाँच से इसके सबूत मिले हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि रूसी हैकर्स जो हैं 18,000 सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों पर हमला किया है। तो रूसी हैकरों ने 18,000 दफ्तरों और निजी कंपनियों पर हमला किया है। तो रूस जो है पूरा यूरोप में अपना जो है प्रभुत्व कायम करना चाहता है और उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, बहुत पकड़ है यूरोप में।
तो ये थे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें मैंने रूसी हैकरों से के जो कारनामे हैं जो कि अमेरिका और में अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों को जो है हैक किया था, उसकी रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसके बारे में मैंने बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी इन्हीं उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। क्या किसी ने खूब कहा है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, आप अतीत को याद कर क्या करोगे। जैसे आप पिछले रेलवे ग्रुप डी में बैठे हो, या आपने यूपीएससी की तैयारी की है, या यूसी नेट में बैठा है, आपने नहीं सफलता मिली, तो आप उसको सोचने की जरूरत नहीं, उसमें रियलाइज करने की जरूरत है, उसे रिसर्च करने की जरूरत है। ये उससे मैंने क्या इसमें कॉमन मिस्टेक या कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक किया, या क्या मेरे स्ट्रेटजी में कमी रह गई, उसको खोजते हुए आगे बढ़ना है और सफलता हासिल करनी है, और वक्त और हालात पर नहीं रोना है। अपनी जो है कामयाबी खुद लिखनी है, अपना कलम से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से। तो बहुत ही अच्छी सुपर लाइन थी आज का, इंस्पिरेशन करने के लिए, हम सभी को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए होते एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हो जाए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है खास इसमें। विश्व का पहला बिजली सरप्लस वाला देश भारत बन चुका है। ऊर्जा मंत्री जो है आरके सिंह ने रविवार को स्टेटमेंट जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिजली सरप्लस वाला देश बन गया है भारत। दुनिया में नवीकरण ऊर्जा में भी उच्चतम वृद्धि दर्ज कर रहा है, और वर्तमान में जो है अधिकतम मांग 1,85,000 मेगावाट है, और वर्तमान में उपलब्धता जो है 3,74,000 मेगावाट है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज सांसद 80 वर्षीय नैन्सी पेलोसी को दोबारा जो है सांसद दोबारा प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें में नैन्सी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, 80 साल की हैं, जो है कल उसमें वोटिंग हुआ था जिसमें 216 जो है उनको वोटिंग में मिला है। उनके रिपब्लिकन प्रतिनिधि केवी कमार्टिन को 209 वोट मिला है, 447 कुल वोट डाले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं एडीबी बेंगलुरु शहर में बिजली और वितरण प्रणाली को आधुनिक करने के लिए 730 करोड़ रुपया का जो है कर्ज देगा। करीब 10 करोड़ डॉलर देने वाला है। वित्त मंत्रालय ने यह बयान जारी करके कहा है कि एडीबी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की एक परियोजना के लिए बिना गारंटी जो है सरकार को 9 करोड़ डॉलर कर्ज देगा, करीब करीब 10 करोड़ डॉलर का। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकी सांसद ने मलाला यूसुफ़ज़ई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया। इसके तहत जो है योग्यता के आधार पर पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए जारी छात्रवृत्तियों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। इस विधेयक को मार्च 2020 में प्रतिनिधि सभा ने पारित किया था। 1 जनवरी को सीनेट ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। अगर राष्ट्रपति ट्रंप जो है इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दे तो यह कानून बन जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके जो पहले जो थे मैं बात करूँ तो पी आर वेंकट रामा राजा इसके पूर्व अध्यक्ष थे, उनको जो है हराया है, उनको 31 वोट मिले हैं, और वर्तमान में जो वर्तमान में जो संजय कपूर बने हैं उनको 33 मत मिले हैं। ये कानपुर शहर से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं कानपुर के, और उत्तर प्रदेश के चेस के जो शतरंज के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है। बैंक के ग्राहकों को जो है 24 घंटा इसका 7 दिन तक फैसिलिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा, ये मोदी जी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। इसमें वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का योगदान पर देश को गर्व है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली देश को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पशु क्रूरता कानून वापस लेने या संशोधन करने को कहा। फरवरी के दूसरे सप्ताह सॉरी ये मैं बता दूं कि दोषी ठहराने से पहले मवेशी जब्त नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मवेशी लोगों का आजीविका का साधन होते हैं, हम फालतू कुत्ते या बिल्लियों की बात नहीं कर रहे हैं, लोग अपने मवेशियों के सहारे जीते हैं, आप व्यक्ति के दोषी ठहराए जाने से पहले ही मवेशियों को जब्त नहीं कर सकते, आपके नियम कानून के विपरीत है, आप इन्हें वापस लें या इसमें रोक लगा दें या इसमें संशोधन करें।
तो 2017 के जो नियम बनाए गए उसको वापस लेने या इसे संशोधन करने के लिए कहा गया है। इसमें पशुओं की क्रूरता से रोकथाम के कानून जो है ये खिलाफ इसको कहा गया है, जो प्रधान न्यायाधीश जो है SS बोबड़े, जस्टिस AN बोपन्ना और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने ये बातचीत करके बताया। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO ने 1 जनवरी को 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मोटो है, देख सकते हो, एम्प्लॉयज जो है लगभग 30,000 है, 5,000 साइंटिस्ट हैं। एनुअल बजट में इसका दिखाया गया है। मिनिस्ट्री जो है राजनाथ सिंह के अंदर आती है। इसके जो वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम में एक बहु लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की है। इसको 2 मार्च 2020 में इसको पूरा किया जाएगा। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो बी रेडी। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण 5 सवाल क्या है। चीटी, चीटी में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड चीटी में पाया जाता है। इस तरह का अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, है ना, चीटी का डंक में, सॉरी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड यानी अम्ल पाए जाते हैं। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं यानी ऑरेंज में। दही की बात की जाए तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और शुक्र ग्रह है ना यानी वेनस, वेनस की बात की जाए तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और कार की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। इमली की बात की जाए तो टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको जरूर आप पढ़ करके जाए। रेलवे ग्रुप डी NTPC के जो भी कैंडिडेट आप हैं इसको जरूर पढ़ें। कल मैं PH मान से जुड़ा हुआ सवाल आपको दूंगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप सभी को इसके काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट कुछ और आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र के जो पूर्व मंत्री हैं विलास पाटिल, उनका निधन हो गया। वो 7 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कश्मीर में जो है भूकंप के झटके कल 10:58 के आसपास सुनाई दिए। ये देख सकते हैं फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो माघ फेयर, रथ फेयर, गोय चरण फेयर, चुंडी फेयर, दीवा शरीफ फेयर, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के फेमस। इसमें माघ और रथ फेयर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया जी, संजीव चौधना इसके वाइस चेयरमैन हैं और हसमुख जो चेयरमैन है। इसका स्थापना जो 1908 में 20 जुलाई को की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वडोदरा गुजरात इंडिया में है। तो ये थे बैंक ऑफ इंडिया और वहाँ प्रमुख मेला उत्तर प्रदेश के। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, क्योंकि अक्सर इस तरह का सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी NTPC की बात की जाए तो 40 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स से मिला के उसमें सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह का सवाल हमेशा बनता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज का क्लास में इतना ही, आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच।